10 जुलाई 1856 को क्रोशिया में जन्मे निकोला टेस्ला, जो पैसे से एक इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे, जिसको इतनी प्रसिद्धि उसके अल्टरनेटिंग करंट के खोज के कारण ही मिला, उस समय यानी 19वीं शताब्दी के मध्य तक उन्होंने कुछ भविष्यवाणी किया था जिसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे। निकोला टेस्ला का सबसे पहला भविष्यवाणी। निकोला टेस्ला का मानना था कि जल्द ही हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ये भविष्यवाणी 1890 में जगदीश चंद्र बोस के द्वारा वायरलेस टेक्नोलॉजी के खोज के साथ ही सच साबित हुआ। दूसरा भविष्यवाणी। टेस्ला मानते थे कि भविष्य में हम बहुत सारी और बड़ी गैजेट्स को बड़े ही आसानी से रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे। तब लोग इस पर ज़रा सा भी यकीन नहीं करते थे। टेस्ला की तीसरी भविष्यवाणी। टेस्ला का मानना था कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के मदद से महिलाओं के बीच शिक्षा और रोजगार का अच्छा खासा प्रसार होगा, जिसके कारण महिला सशक्तिकरण में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।